हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी सोर्स। दोस्तों, यदि आप भी पता करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड बनने के बाद कहां तक पहुंचा है, आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली बना है या नहीं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले जो अपनी स्मार्ट डिवाइस की क्रोम डिवाइस में आ जानी है और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टाइप कर लेनी है ट्रैक पैन स्टेटस। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने जो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगी। आपको सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर लेनी है, इस तरीके से TIN वाले पे। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पैन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी पैन का एक्नॉलेजमेंट फिल करनी है। और यहाँ पे कैप्चा को फिल करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैंने सब कुछ को फिल कर लिया। इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरा पैन नंबर आ रहा है। और यदि इंग्लिश समझ नहीं आया, मैं हिंदी में कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो है पैन कार्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ से अवेयर कर दिया गया है और दोस्तों ये आपका 15 दिनों में पहुँच जाएगा। हालाँकि दोस्तों आपका ये पैन कार्ड जो है आपके बताए गए ईमेल एड्रेस पे 5 दिनों के अंदर ही आ जाता है। और दोस्तों आपका घर पे आने में जो एक होता है फिजिकल कार्ड, वो टाइम लग जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से अपने पैन कार्ड की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों आज की उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आएगी। आई होप दोस्तों।